हेलो एवरीवन, दिस साइड से अवदीप सिंह और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिसमैच रिपोर्ट के बारे में। GSTN में एक नई फीचर दिखा है, एक नया रिपोर्ट दिखी है, सामने आई है मिसमैच रिपोर्ट के नाम से। हम सबको पता है GSTR 2B अब लाइव हो गया है, तो GSTR 2B में तो जब भी हम GSTR 2B खोलते हैं एंड देन GSTR 2B खोलने के बाद जब हम ऑप्शंस एक्सरसाइज करते हैं सर्विसेज में जाके रिटर्न्स में जाके हमें शो होगा एक मिसमैच रिपोर्ट, बट वो मिसमैच रिपोर्ट एट प्रेजेंट नहीं खुल रही क्योंकि अभी इसको लाइव नहीं करा गया है, अभी इस पे वर्किंग चल रही है। तो काफ़ी लोग कहेंगे कि एक ये नई रिपोर्ट सामने आने वाली है, तो मैं इसमें सबसे पहले क्लेरिफाई करूँगा, मिसमैच रिपोर्ट कोई नई चीज़ नहीं है, इसको आ जाना चाहिए था 1 जुलाई 2017 से ही, सिंस द इंसेप्शन ऑफ GST से ही आ जाना चाहिए था, बट क्योंकि इतना एडवांस हमारा पोर्टल था नहीं और लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही थी, तो शुरुआत में काफ़ी सिंप्लीफाइड चले थे और अब इस रिपोर्ट को ये 3 साल बाद ला रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे क्या ये मिसमैच रिपोर्ट जो इशू होएगी वो एक नोटिस के फॉर्म में होएगी या वो क्या होगा या क्या नहीं होगा। तो रूल 69, रूल 70, रूल 71 में ये क्लेरिफाई कर दिया गया है, आप इसको डिटेल में अगर पढ़ना चाहे तो, ये पहले से ही एक्ट में था, इसको क्लेरिफाई करा गया था इसमें रूल 69, 70 एंड 71 में कि एक MIS 1 करके रिपोर्ट मिलेगी उस बंदे को इशू होएगी जिसका 2A में क्रेडिट कम आ रहा है एंड 3B में उसका क्रेडिट उसने ज़्यादा ले रखा है, और ये रूल्स ने पावर ली है सेक्शन 42 एंड 43 ऑफ द CGST एक्ट से। तो गवर्नमेंट आपको MIS 1 की रिपोर्ट भेज सकती है। तो अभी नियर फ्यूचर क्या होने वाला है कि जिस जिसका भी 2A में क्रेडिट कम है एंड 3B में उसने क्रेडिट ज़्यादा ले रखा है तो उसको एक MIS 1 रिपोर्ट इशू होएगी, उसको वो रिप्लाई करना पड़ेगा उसको। तो कल जब ये चीज़ लाइव होएगी हमें इसका रिप्लाई करना होगा, उससे बढ़िया है कि आज ही हम अपने कंप्लाइंसेस पूरे कर ले, 2A को 3B से मिला ले और 3B को बुक से मिला ले, जो मैंने इनपुट क्लेम करा है वही इनपुट शो हो रहा है 2A में या नहीं शो हो रहा, और किसी सप्लायर ने मेरा बिल नहीं चढ़ाया जिसका मैंने इनपुट ले रखा है, परचेजेस मेरी जेन्युइन है, तो मैं उस सप्लायर को आज बोल सकता हूँ कि आप प्लीज़ अपनी GSTR 1 में सेल शो करें ताकि मेरा 2A में रिफ्लेक्ट हो और यहाँ से मेरे को रिप्लाई करने में मिसमैच रिपोर्ट का रिप्लाई करने में मेरे को हेल्प मिले। तो ये मिसमैच रिपोर्ट जब लाइव होएगी तो मैं इसकी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि इसका रिप्लाई कैसे करना है और कैसे गवर्नमेंट को जवाब देना है, कितनी पेमेंट ऑफ टैक्सेस आपको करनी पड़ेगी, कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ये सब तभी पता लगेगा जब वो लाइव होएगी और गवर्नमेंट इसके ऊपर डिटेल्ड कोई सर्कुलर या नोटिफिकेशन निकालेगी। तब तक के लिए इट इज़ अ वेरी एडवाइजेबल ऑप्शन कि आप अपनी रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट पार्टी बाय पार्टी, बिल बाय बिल बना के कंप्लीट करके रख ले, विच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन नियर फ्यूचर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।